परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसका शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। यह नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। दोनों प्रकार की अभिक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। परमाणु यानी एटम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों पर ध्यान देनी होगी। एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इसे बिंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है एवं न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। यह कण उदासीन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन को अलग करने की कोशिश करते हैं और बेंडिंग एनर्जी नाभिक को जोड़ने का काम करता है। जिस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है और उसका बेंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है उस टाइप के एटम को हम अस्टेबल एटम कहते हैं। कुछ एटम जैसे यूरेनियम के एटम में प्रोटॉन की मात्रा तो एक होती है लेकिन न्यूट्रॉन की मात्रा अलग अलग होती है। जब न्यूट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा से अधिक हो जाती है तो ऐसे एटम उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बनाते हैं और इस प्रकार के एटम्स अनस्टेबल एटम्स कहलाता है। अनस्टेबल एटम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म बेंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। एटम हमेशा अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में पहुंचना चाहती है और इसलिए उस प्रकार के अनस्टेबल एटम्स एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे हम क्वांटा कहते हैं। जब एटम्स इस प्रकार के एनर्जी के क्वांटम पैकेट्स रिलीज करते हैं तो उन्हें रेडियो एक्टिव कहा जाता है। हाँ, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। जिस पदार्थ का परमाणु भार 83 या उससे अधिक होता है वे अक्सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए।